नोटों से भरी अलमारियां, ज्वेलरी से भरे 3 सूटकेस, 500 के नोटों की गड्डियां, 320 करोड़ की नगदी। जो खजाना आज तक किसी ने नहीं देखा, वो खजाना झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के पास से मिला है। हैरान करने वाली बात ये है कि 4 दिनों पहले शुरू हुई नोटों की गिनती अभी भी जारी है। कैश से भरे 136 बैग अभी खुलने बाकी है, जिसके बाद ये ब्लैक मनी कहां तक पहुंचेगी बताना मुश्किल है। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि नोटों का आंकड़ा 400 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि छापेमारी के चौथे दिन ओडिशा के सुदापाड़ा भट्टी के कर्मचारी बंटी साहू के ठिकाने से इनकम टैक्स के अधिकारियों को नोटों से भरे और 20 बैग बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स की टीम ने अब तक नोटों से भरे 176 बैग बरामद किए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा बैग खुल चुके हैं। इस कैश को 25 मशीनों से 50 कर्मचारी अब तक गिन रहे हैं। साहू के ठिकानों पर हैदराबाद से 25 सदस्य एनालिस्ट की टीम पहुंची है। नोटों की गिनती जल्दी पूरे होने की संभावना है। साहू के ठिकानों पर आज भी आईटी की रेड जारी है। आपको बता दें कि धीरज साहू के यहां से मिली ब्लैक मनी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। किसी भी एजेंसी ने अभी तक एक ही ऑपरेशन में एक साथ इतनी बड़ी ब्लैक मनी कभी नहीं पकड़ी है। वही कैश की ये गिनती और कितनी आगे जाएगी, ये तभी पता चल पाएगा जब बाकी के 136 बैग के कैश गिने जाएंगे। अभी तक की ब्लैक मनी में ज्यादातर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली हैं। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स अभी भी ये पता लगाने में जुटे हैं कि धीरज साहू ने और कितनी काली कमाई कहां छुपा रखी है। इसी को लेकर साहू के घर पर इनकम टैक्स की रेड अभी भी चल रही है। इसके साथ ही उनके घर पर अधिकारी और CISF के जवान भी तैनात है। आलम यह है कि नोट गिनने के लिए 2 दर्जन मशीनों को मंगाया गया था, जो कम पड़ गई, और 2 दिन के अंदर ही कैश गिनने वाली कई मशीनें खराब तक हो गई। इनकम टैक्स के अधिकारी जब्त किए गए कैश को ओडिशा में सरकारी बैंक शाखाओं में जमा करा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर नोट 500 के हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने 6 दिसम्बर को ओडिशा के बॉट डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की थी। इन कंपनियों का सीधा संबंध धीरज साहू से है। इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर को लेकर ट्वीट किया और कांग्रेस को घेरा। झारखंड बीजेपी पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस पर राजनीति और कितनी गर्माती है। टीम न्यूज़ नेशन।